फिर से बेटा खुश रहो। और है कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले कटना भोजन कर तो बोलत जब राजा नहीं आवत तो तजी बाल समाजा बिजवा में सिया जब पहला सिया राम। दोस्तों कमाल का फंडा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है, मैं बता दूं। आज विजयादशमी है और गांव घर में एक परंपरा चली आ रही है जो कि गुड़लगी का हम लोग बोलते हैं, बड़े का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छोटे बच्चे सभी अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं। और आइए चलते हैं ब्लॉग के माध्यम से। अभी फ़िलहाल मैं ये नए वाले घर पर ही हूँ और हमारा पुराना घर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, गोदाम चौक के समीप। और वहाँ पे पहले देवता मैंने यानी कि अपने देवता पितर का गोल लगूँगा, इसके बाद अपने मम्मी पापा का और थोड़ा मोड़ा टोले का घूमकर आपको ब्लॉग दिखाऊँगा। और पहले से रीति रिवाज के माध्यम से छोटे मोटे बच्चे को टॉफी क्या बोलते हैं कटोरी लगठो और कहीं पुआ पकौड़ी बहुत तरह जिनके जी जो बनना रहता है सभी को खाने के लिए बोलते हैं। तो चलते हैं, आपको ये परंपरा जो हो चली आ रही है पहले से तो उसका ब्लॉग दिखाऊँ, तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहिए। ये हमारे मम्मी पापा हुए तो आइए चलते हैं और टोले महल्ले में 2-4 घर घूमेंगे। इसके बाद ये जो कि पौलगी का आज दिन है दशहरा का, तो ये ब्लॉग हम आप सबों को दिखा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तब तक आप ब्लॉग पर बने रहें। फिर से बेटा खुश रहो। लकड़ी के बूढ़ भकड़ी का ये दीदी के हमको पापा के लगो। छोटा बच्चा है जो कि सभी को ये पैर छू के गाइस तो देख पा रहे हैं रोने लगा, हम इसे रोके गाइस तो आप देख पा रहे हैं रोने लगा। और ये छोटा बच्चा है सभी को पैर छू रहा, तो इसी कहते हैं संस्कार, यानी कि पूर्वजों का जो अति होता है रीति रिवाज के माध्यम से दशहरा को छूने के। जा तो आइए चलते हैं। और जो भी ये मैं अपने पुरन के घर पे आया हूँ जो मिट्टी वाला है, मैं वहाँ रहता हूँ यहाँ से तकरीबन। ये देखिए फिर से लगो रे, ये देखिए जिया है, ये देखिए भतीजी है जो कि जिया है, ये गोल लगने आई थी अभी जस्ट हम विजयादशमी की। ये देखिए छोटा भाई मुकेश। और ये हम अभी दशमी का जो कि आज मूर्ति विसर्जन हुआ था तो अभी रोगरा लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा गो। ये देखो नहीं दादी अब जाती हो ना जे अथी में टिकट नहीं लिए तो वेट आउट जाना पड़ गया हमको। देखो तो नानी तैयार है तो है नहीं बैठा दोनों का बोरा बिछा बिछा के आराम से। बैठा कुर्सी पर। ये हाँ दे भात हुआ थी। ये देखिए दादी के माध्यम से ये जो कि कटोरी मिठाई और खाना खाने के लिए इनवाइट मिल रहा है, लेकिन अगर सभी के घर में अगर खाना खाया जाए तो बहुत आदमी कितना खाएगा। तो ये बाबा हैं और दादी। ये दशहरा है और दशहरा में जैसे पूर्वजों ने हम सभी जैसे पावलगी का ये त्यौहार हम लोग मनाते हैं, घर घर डोर टू डोर सभी के दरवाजे जाते हैं और सबसे मिलते हैं। तो ये दशहरा पर क्या आप कुछ दो सब? दशहरा खुशी का दिन है। हाँ और सबों से मिलजुल करके पैर हाथ गोड़ ला के कोई कंधे में कंधा मिला के लोग
मनाते हैं इस पर्व को। और बाबा बहुत अच्छा खासा रामायण का जानकार हैं, और अगर एकाध थोड़ा सा कुछ गुनगुना देते ना, क्योंकि हम लोग बहुत गाना इनके से सुनते थे पहले, अब हम दूर रहने लगे। और ऐसे भी मैं पहले बता दिया हूँ कि हम आए हूँ पुरान के घर पे, तो सभी से मिल रहा हूँ और ये हमें मिठाई मिला है बाबा। कुछ एक कुछ कोई धुन कव्वाली भी गाते हैं बढ़िया, कोई रामायण से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसा टाइम नहीं है, अभी खाने का समय है। लेकिन एक ठीक है, हम थोड़ा सा कोई चीज जो आपको धार्मिक वैसा भोजन करत बोलत जब राजा नहीं आवत तजी बाल समाजा। हाँ, राजा दशरथ जी जे थे, अभी बच्चे लोग को खाना खाने घड़ी हर चीज घड़ी बुलाते थे। चलिए आप चैनल पर जुड़े, खाना खा रहे थे ना तो और गाना सुनाते, और चलते हैं दूसरे गेम। आप नहीं खाए होंगे, हम बात अलग है, लेकिन हमारे सामने आप नहीं खाए हैं। लीड में खा रहे थे दूसरे, तू तो होगा, लेकिन हम भूत का नहीं खाते हैं। हाँ, हम भूत का नहीं खाते हैं। एक और जब है यहाँ पकौड़ी भी है, या आपका दुकान जाए हुए निवेदन है, ये माननीय संचार है, हम खा लेने गए थे उधर से। मुर्गा खांसी के मतलब अथी सब कुछ एक फालतू बनल बा, हम ना खाइए ये सी के गोली मार चल। अरे हमारा वडवा कहाँ हो रे? मैं यहाँ हूँ। अरे वाह वाह भैया, और लतखोर भाई है, मार दे चाहे मुआ रे भैया। तो कुर्सी निकाल ना भैया, बगल ना पहले हम पीठ ठोक लिए होते, या झोक 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 पहले झोक। हां कुछ रहा आशीर्वाद मेरा, अब हम दादा जी भैया का हमर भाई है, निकाल ले भाई आई प्यारा भाई है। अरे हमारे भतीजा है करेगा, वो तो हमारे बेटू है, और बेटू है तो था ना, यहाँ था ना बच्चा अब ये बात गलती है, सब कुछ जब खा पी रहा है तो महाराज आप नहीं है गठोर निकालो रे तीन साल और हमारे साथ झेलना है, इसके बाद हमारा विजय साहब जी हमारे बिटुआ डीजे बजा के ले जाते हैं। अगर रेनुअल हो जाएगा तो कोई दिक्कत ना, उसमें खर्चा ये कदापि होगा, उसमें खर्चा कम है, तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे थे अभी हम लोग वार्ड सदस्य के यहाँ आए हुए थे, और यहाँ ढेर सारे मिठाई और ये धुआ क्या बोलते हैं धुसका पकौड़ी वगैरह, तो हमारे वार्ड सदस्य क्या कहेंगे दशहरा के शुभ अवसर पे, दो शब्द रखे आए वो अभी शायद जलपान कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे बहुत से आए हुए थे, तो दशहरा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं सदस्य हूँ, ये है कि सभी से है कि नम्र निवेदन है कि आज है कि विजयदशमी के दिन आज ही है, विजयदशमी आज है, तो हमहू जाने आज है, आगे बोलिए। विजयदशमी के दिन आज है, मैं सभी से नम्र निवेदन विनती करता हूँ कि सभी हंसते खेलते फूलते रहे, और है कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले कटना गुल खिले गुलशन खिले और खिले कचनार, और सब खिले फूल खिले, सभी खिले फूल खिले और खिले बहार। मैं यही सह की माता रानी से कृपा प्रदान करता हूँ, और कृपा प्रदान के साथ में सभी के साथ में मैं हंसते खेलते रहना चाहता हूँ जी। और हमारे सभी जानते हैं
जनता है और सभी हंसते खेलते रहे, सही भी फले फूले। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूँ, माता रानी से कृपा करता हूँ कि सभी हंसते खेलते रहे। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद। अरे छानल हम खेबे नहीं कर लिए का चॉकलेट खा ले। हाँ चल दे दे भैया हमारा ये तो आप देख पा रहे हैं ये विजयादशमी के दिन जो पौलोगी होता लागो छोटू, ये देखिए। और यहाँ पे टॉफ़ी रखा गया है बच्चों के लिए, क्योंकि ये टॉफ़ी के लालच में ये अपने संस्कार को ना भूले बच्चे आने वाले पीढ़ी को, तो यहीं से संस्कार पनपती है। और जो कि ये टॉफ़ी मिलेगा और ये बच्चा खाते हुए हमें भी मिला है, आप ये देख सकते हैं टॉफ़ी। और ये बच्चे हैं नन्हे मुन्हे, और इधर ये एक बकरी बनी हुई है। आओ ये बाबा हैं जो कि का तक कह रहे हैं, बोलिए। बिजवा में सिया जब लसिया राम के, जब लसिया राम के, जब लसिया राम के, जब लसिया राम के। अन में बसे तुलसी हृदय में बसे राम, बिजवा में जब राम के। बबुआ हो हम प्रभु हैं, प्रभु प्रभु। हाँ और ये हमारे बाबा हैं, और जो जब लसिया राम के, जब लसिया राम के, कोई न बस रामा जब लसिया राम के। तो बबुआ हाँ ये देखिए बाबा हैं जो कि बहुत अच्छा खासा है। आज ये चार्ज है, इनका बैटरी ज्यादा चार्ज है, और पूरा ये दशहरा का मस्ती ले रहे हैं। और अच्छा है जो इनका अवस्था अब बुजुर्ग हो गए, तो बुजुर्ग में ही भगवान को याद किया जाता है, क्योंकि इन्हें कोई कठिन नहीं लगता। और ये अच्छा खासा डांका बजाते हैं रामा। और इधर तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं। अगर आप सबों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए।